दोस्तों अभी कलकत्ता में तो आ गए हैं माइक लेने के लिए, और माइक ले चुके हैं और यहाँ जब आए तो थोड़ा सा आप लोग का भी बहुत कमेंट आता है कि ड्रोन ले लीजिए, तो पता किए तो देखिए यहाँ मिल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहा है और हम लोग कलकत्ता आ चुके हैं। कलकत्ता पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर दिए, देख सकते हैं मेरा गाड़ी यहाँ खड़ा है और भी पूरा गाड़ी इधर लगा हुआ पार्किंग में, तो पार्किंग में यहाँ पर लगा दिए। हम लोग को जाना है सिटी में, आप लोग बताए भी थे पहले, वो हम लोग को लेना है वो माइक जो है, तो वो माइक भी मैं 10-11 ज़्यादा बाद में ही मार्केट खुलता है, तो इसी लेकर हम लोग थोड़ा सा लेट करके जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ से निकलना है और भी यहाँ पर क्या ना कल हम लोग खाली करना है दुर्गापुर में, तो अपना तो कुछ करना नहीं यहाँ पर, सिर्फ वहाँ जाएंगे, हो सकता है शाम तक वापस आए या 4-5 घंटा वापस आ जाए, जल्दी मिल जाए तो फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आते हैं माइक ले करके। दोस्तों अभी कलकत्ता में तो आ गए हैं माइक लेने के लिए, और माइक ले चुके हैं, देखिए बड़ा डब्बा जो कंपनी का ढूंढ रहे थे वो मिल गया हमको, ये देखिए, और DJI का। और यहाँ जब आए तो थोड़ा सा आप लोग का भी बहुत कमेंट आता है कि ड्रोन ले लीजिए, तो पता किए तो देखिए यहाँ मिल रहा है, तो ये भी लेने का प्लानिंग में है। कुछ इसमें बताइए क्या सिस्टम वगैरह है इसका। ये आपका मिनी 3 प्रो ड्रोन है, ये आपका 4K रिकॉर्डिंग होता है इसमें, 4K रिकॉर्डिंग है आपका इसमें। ये आपका टिल्ट भी, पैन भी, फोर वीडियो आएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब इसमें। ये आपको चारों एंगल ये रोटेट होगा, 360 ये गिम्बल है, मोबाइल है, अच्छा दिया हुआ इसमें। तो यही दुकान है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत से सामान मिलता है, जो चाहे ले सकते हैं यहाँ आपको, A to Z सामान मिल जाएगा, कैमरा से रिलेटेड जितना छोटा से बड़ा एसेसरीज सब मिलेगा। नाम ही बता दीजिए। दुकान का नाम है हमारा प्रोफेशनल फोटोग्राफिक स्टोर। चलिए बहुत अच्छा, हम तो कलकत्ता में ढूंढ रहे थे, हमको पता चला था कि यहाँ मिलता है सारा, तो इसलिए आए, तो डायरेक्ट यहीं पाए थे। तो ये देखिए इसका रिबॉन्ड है, और इसे आप थोड़ा सा चला के घुमाइए, तो इसको दिखा दे रहा है, देखिए ये अभी घूमने की तैयारी में चार्ज हो गया है। इसका 3 बैटरी इसमें मिलता है ना। हाँ, 3 बैटरी, ये आपका रहा, 2 बैटरी आपका यहाँ पे है और एक लगा हुआ है इसमें, एक आपका यहाँ पर है, यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ चलिए ठीक है, इसको थोड़ा घुमाइए, थोड़ा देखिए जरा क्या करता है ये, और देखिए इसको मौसम मनाया जा रहा है इसका भी, देखिए ये उठ रहा है अभी। ये आपका यहाँ से, ये आपका देखिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इससे आपका कैमरा नीचे डाउन चल जाएगा पूरा। इसका बगल में दिया हुआ है, ये आपका पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगा। दोस्तों जब आ ही गए इतना दूर और गाड़ी भी खड़ा किए हैं, नहीं तो आज हमारा गाड़ी खाली हो जाता है। मैं तो माइक के लिए आया था, अभी ये भी मिल रहा है तो ये भी पैक करा ही लेते हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा, कोई ठीक नहीं है हमारा। तो ठीक है दोस्तों, इसको पैक कराते हैं, ये भी लेते हैं अभी, और फिर यहाँ से निकलते हैं और कल पहुँचते हैं दुर्गापुर, क्योंकि कल खाली भी करना है हम लोगों को। दोस्तों अभी तो हम सामान लेके निकल गए हैं और बस अभी इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। ये देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा जाम भी लग गया और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये मेट्रो गेट के पास। अब यहाँ से बस वो जो भैया हम लोग को लेके आए थे वही आ रहे हैं, तो उनके साथ फिर हम लोग निकलेंगे। पार्किंग का यहाँ प्रॉब्लम है, पार्किंग चलते मिलता नहीं जल्दी जगह, उसके बाद गाड़ी कहीं और लगाना पड़ता आगे, तो वो आगे लेके चला गया था, हम इंतजार कर रहे हैं, अब आने वाला है वो, तो हम निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों अभी तो हम लोग का गाड़ी आ चुका है और देख सकते हैं ये हमारे पुराने वाले हैं, जो कई बार इनसे हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो इन्हीं को कॉल करते हैं और इन्हीं को बुलाते हैं, क्योंकि इनको कलकत्ता का पूरा आइडिया है, कहाँ क्या सामान मिलता है, कहाँ कौन गली है, क्या है, सब आइडिया है। और इनसे ऐसा हम लोग का प्यार मोहब्बत हो गया, भाई जैसा हो गया, इसके चलते हम लोग मतलब इन्हीं को बुलाते हैं, तो ये आए मेरे पास पार्किंग के पास, तो गाड़ी ले, हम लोग सुबह इसलिए नहीं मिला चुके कि जल्दीबाजी में थे हम लोग, कि जल्दीबाजी काम निकल कर करना हम लोग को, तो उसके चलते अभी फिर हम वापस जा रहे हैं रिटर्न गाड़ी के पास, अपना सामान जो जो लेना था वो इच्छा भर जो जो लेना था हम लोग सब ले लिए हम लोग, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा रहे हैं गाड़ी के पास में। और आप कलकत्ता सिटी पार्क कर दो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, आप लोगों को परेशानी हुआ पार्किंग का ना। हाँ बहुत परेशानी, इनको पार्किंग नहीं मिलता, पार्किंग जल्दी नहीं मिलता है कलकत्ता में, ये दिक्कत है। कहीं आप मार्केट में जाते हैं बाजार करने तो गाड़ी आप चाहिए कि दुकान के सामने गाड़ी खड़ा कर दे, तो वो नहीं होता है, मतलब परेशान हो जाओ, फिर कोई ट्रैफिक वाला आ जाएगा यहाँ का पुलिस वाला सफ़ेद ड्रेस वाला, वो आके सीधा गाड़ी को चलान कर देगा या कुछ भी कर देगा, कहे गाड़ी हटाओ यहाँ से, तो ये सब थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अभी हम लोग निकल ही रहे हैं तो देख सकते हैं कितना जाम मिलता है, कलकत्ता तो ऐसे भी मतलब भीड़ भाड़ एरिया कहलाता ही है और जाम मिलता है, और
रास्ता तो इतना मतलब है ना कि मेरा दिमाग में तो कई बार आए लेकिन मेरे दिमाग में कभी घुसा नहीं कि कौन रास्ता कहाँ ले। जब जाते नज़दीक तब मालूम चलता हाँ इसमें से आए थे, लेकिन रास्ता अगर बोले कि हम लोग की बस की बात हो तो बाहर का ड्राइवर यहाँ नहीं चल सकता, लोकल यहाँ का है वही चला सकता है। ये तो हम लोग की बस की बात की बात, अगर हम लोग चौक अपना कार लेके आए घर से भी ना कोई भी आए तो कहेगा कि वहाँ का ड्राइवर लेके घूम लेगा अंदर, तो मुश्किल है क्योंकि बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। दोस्तों शाम के 4 बज गया है और हम लोग का सामान तो ले लिए लेकिन अभी कुछ खाए नहीं थे सुबह से, हम लोग मतलब इतना बिजी थे सामान लेने में तो अभी समय 4 बज गया कुछ खाए नहीं, और हमारे भाई साहब भी कुछ नहीं खाए थे, इनका भी हालत ख़राब हो गया था, तो अभी हम लोग आए हैं ढाबा पर खाने होटल पर खाने के लिए। तो यहाँ क्या बिरयानी है ना, बिरयानी बहुत बढ़िया है यहाँ का, हाँ यहाँ का बिरयानी भी यही बताते हैं हम लोगों को कहाँ क्या अच्छा है क्या नहीं, तो वही हम लोग अभी मटन बिरयानी बोले हुए हैं और जल्दीबाजी वही ठीक है, रास्ते में भी पड़ता है। और हम लोग का लेट होने के कारण क्या है कि हम लोग का पेमेंट का थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, लिमिट ख़त्म हो गया था, उसके लेकर थोड़ा समस्या हो रहा था, लेकिन फिर हो गया पूरा, हमारा बैंक ट्रांसफ़र करना पड़ गया, काम अपना हो गया। तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग पहले खाना खाते हैं फिर निकलते हैं गाड़ी के पास। दोस्तों हमारा बिरयानी आ गया और पिछले बार जब आए थे तो हम दादा बोधी होटल में खाए थे, तो दादा बोधी होटल तो इस बार रास्ते में नहीं मिला, यही मिला, ये सलाद भी आ गया। तो इस बार हम लोग जिस रूट पे जा रहे हैं उस पर दादा बोधी होटल नहीं है, साइड में रह गया, तो इसके चलते हम लोग वहाँ का भी ट्राई कर लिए, यहाँ का भी ट्राई कर ले रहे हैं, हर जगह करना चाहिए और जहाँ जहाँ बता रही है वहाँ बढ़िया मिल रहा है हम लोग को, तो चलिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ये दोस्तों मटन बिरयानी इतना बड़ा साइज और साथ में ये भी आता है, बंगाल में आता ही आता है आलू, और यहाँ आलू हर चीज़ में आता भी है, कई जगह तो अंडा देता है ना जी, स्वाद भी बढ़िया है, स्वाद बढ़िया लग रहा है इसका। दोस्तों शाम के 7 बज चुका है और हम लोग गाड़ी पास आ गए हैं, ये देखिए मेरा गाड़ी है, अब यहाँ से हम लोग निकलने की तैयारी होगा, तो काफ़ी तो लेट तो हो गया क्योंकि हम लोग कहीं और जाने का मौका नहीं मिला कलकत्ता में, प्लानिंग तो था कहीं और जाने का भी लेकिन समय नहीं मिला, सामान ढूंढने में समय लग गया ज़्यादा और प्रॉब्लम चलते हम बोले, एक जगह और भी जाना था हमको, एक जगह हमारे ट्रांसपोर्टर से मिलना था वहाँ भी नहीं हो पाया क्योंकि उनको भी बोले थे कि हम आ रहे हैं यहाँ पर तो मिलेंगे, तो वो भी नहीं हो पाया, तो ठीक है वो ट्रांसपोर्टर में जाकर कल मैंने अगले बार कभी जाकर मिल लेंगे, ऐसा बात नहीं है, फ़ोन में तो बात होते रहता। और दादा हम लोग दिन भर रहे साथ में, सब तो बढ़िया लगा, थोड़ा गर्मी के कारण थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे, और यहाँ जब आते हैं तभी गर्मी, मतलब कि गर्मी है तो होता और भी अच्छा होता, हाँ थोड़ा और समय मिला और भी अच्छा लगता, तो बहुत अच्छा लगा रोहित से मिल लिए, दादा भी मिल लिए रोहित से, ठीक है दादा फिर कभी आएंगे तो जरूर आपको याद करेंगे, और हमारा आपसे तो बात होते ही रहता है फोन में, मेरे घर पे भी आइए कभी, वो तो एक बार तो एक घर गए नया वाला बन गया अभी आइए, हाँ तो जिस दिन नया घर में इन घर भी हम जाएंगे जरूर 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 आपको इनवाइट करेंगे, जिस दिन मेरा घर का ओपनिंग होगा उस दिन जरूर इन्वाइट करेंगे, तो आप भी आइएगा वहाँ पर। दोस्तों नया माइक लिए हैं आप लोग देख सकते हैं, और ये अब हमारा जो आवाज़ जो है वो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है क्या हो रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम लोग कलकत्ता गए थे तो रोहित तो गाड़ी में ही था, तो ये तो गाड़ी में इसको पैसा दे के गए थे, ये अपना खाना खा लिया था ना, खाना खा लिया था, नींद भी पूरा कर लिया है और रात भर जगना आज पहुंच जाएगा रात में दुर्गापुर, हाँ तो ये से और एक और छोटा सा इसके लिए हेलीकॉप्टर ला दिए हैं, ये देखिए ये हेलीकॉप्टर है, ये ड्रोन है तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर है, मेरा लिए हेलीकॉप्टर, हम इसमें चढ़ेंगे तो। और एक चीज़ हमको ये इससे फायदा लग रहा है कि कई बार इसको फोन करते हैं तो झूठ बोलता है, अब इससे हम देखेंगे कि है कहाँ, कई बार ये झूठ बोल देता है कि हम टायर ठोक रहे थे तो उधर थे इधर थे, अब जहाँ भी होगा हम इसको उड़ाएंगे पहले और देखेंगे कि रोहित है कहाँ पे। अब ये जैसे कि कई बार कोरोना का टाइम में देखते थे हम कि पुलिस वाला छोड़ता था तो लोग भागता था, कोई क्या क्या वहाँ वैसे ये भी भागेगा, ये तो ड्रोन आ रहा है हमको खोज रहा है, तो सच्चाई बात निकल जाएगा ये कहाँ था क्या कर रहा था, ये चीज़ हमको पता चल जाएगा। अब सोच लो सिक्योरिटी गार्ड आ गया है, ऊपर आसमान में ताकते रहना, झूठ मत बोलना कि कहाँ है क्या कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग तो रात हो गया है यहाँ पे, इसलिए इसको अभी आज हम लोग नहीं चला पाए हैं, इसको कल दिन में इसको कहीं चलाया जाएगा, तो हम लोग भी चेक करेंगे कि कितना हाइट तक क्या है क्या नहीं, सब चेक करना है, पूरा खोल कर अभी देखे नहीं है और कल ही इसका भी उद्घाटन करेंगे हम लोग। और दोस्तों एक और ये DJI का माइक इसीलिए लिए क्योंकि इसमें ये चार्जिंग केस देता है चार्जिंग वाला, तो इसमें क्या कि इसमें लगा के हम तीनों माइक
रिसीवर, दोनों माइक और रिसीवर हम चार्ज कर सकते हैं। अभी तो लगा हुआ है फोन में भी और दोनों दोनों के पास एक एक है, तो ये इसी डब्बा में चार्ज हो जाता है, तो इसीलिए हमको ये बहुत अच्छा लगता है। रोड का क्या है कि उसको तीनों को अलग से चार्ज करना पड़ेगा और चार्जर अपने पास एक है तो बहुत मुश्किल हो सकता था, इसलिए ये डीजे मतलब दोनों सेम ही है, रोड वाला भी और ये दोनों सेम ही प्राइस का भी आता है और दोनों अच्छा ही है। मतलब अपना प्लेस में दोनों एक ही जगह काम करता है, साउंड क्वालिटी वगैरह सब कुछ सेम ही है, इसीलिए हम देख लेते हैं यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो, तब हमको मालूम चला नहीं उससे अच्छा तो यही है, इसीलिए DJI का लिए, रोड का नहीं लिए है। अब आप ही लोग बताइएगा कि कैसा क्वालिटी आ रहा है सब कुछ, तुमको कैसा लगा बताओ? हेलीकॉप्टर तो ठीक लगा देखने में, अब देखो कल उड़ाएंगे तो इसको समझ में आएगा मतलब कितना ऊपर जा रहा है। अरे इसमें भी ये वाला लिए थे, इसमें प्रो वर्जन, क्योंकि इसमें वो मिल जाता है, डिस्प्ले मिल जाता है इसका रिमोट में ही, इसलिए हम लोग ये लिए ये वाला। दोस्तों अभी थोड़ा सा समय भी हो गया है, क्या है कि हम लोग जिस समय शाम में आए थे तो उसके बाद अभी एक घंटे में रेस्ट किए, इसलिए कि रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हम देखें तो हमें थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो जाएगा तो फिर निकलेंगे आराम से, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा देखे जब अभी आ रहे थे हम लोग वापस, तो हम लोग देखे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, सिंगल बत्ती भी है तो थोड़ा दिक्कत होता है, हमको थोड़ा एक घंटा आराम भी हो जाएगा और अपना निकल भी जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुका है और हम लोग लगभग वर्धमान पहुँचने वाला है। अभी क्या है कि जिस जाम के लिए हम थोड़ा लेट किए थे फिर भी मिल ही गया, थोड़ा बहुत सिंगल बत्ती समय जाम मिल ही गया, उसी में थोड़ा लेट हो गए तो अभी हम लगभग वर्धमान आ गए हैं। वर्धमान के बाद पानागढ़, दुर्गापुर यही आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज रात में देखते हैं हम फैक्ट्री तक पहुँचते हैं, क्योंकि नया फैक्ट्री में थोड़ा डर लगता है कि कैसा जगह है क्या है, उसके लेके थोड़ा हम लोग जाते नहीं हैं, बाहर में ही कोई ढाबा हुआ देख कर रुक जाते हैं, सुबह सुबह वहाँ जाते हैं। हाँ जहाँ का आइडिया रहता है वहाँ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई गाड़ी जाकर लगा दो सीधा वहाँ पे, तो इसी लेके देखते हैं अभी कहीं ढाबाओं में रुकेंगे और फिर सुबह सुबह गाड़ी ले जाके फैक्ट्री में लगा देंगे। तो अभी तो वर्धमान पार कर रहे हैं, उधर कहीं रुकने का प्लानिंग है तो मेरा पानागढ़ दुर्गापुर के आसपास में ही है, उधर ही कहीं रुकना होगा तो उधर ही रुकेंगे। दोस्तों अभी रात के 3 बजने वाले हैं, ये देख सकते हैं 3 बजने ही वाले हैं और हम लोग अभी बस जो फैक्ट्री में हम लोग को जाना था ये देखिए वहाँ बस थोड़ा ही दूर अब बचा हुआ है, अब हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा रात हो गया, रात भर आज गाड़ी चला है और दोस्तों अब ज़्यादा दूर भी नहीं बचा है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास ही बचा हुआ है, बस पहुँचने ही वाले हम लोग। दोस्तों अभी रात के 3 बज चुका है और हम लोग जगह पर पहुँच गए हैं, जो गोडाउन है इसका वही गोडाउन पर आ गए हैं, यहाँ पर और भी गाड़ी खड़ा है, अब पता नहीं सब लोड है कि खाली है तो नहीं पता। और इधर के लिए रात में मेहनत इसलिए किया जाता है कि अगर यहाँ बाजार वजार बहुत मिलता है बंगाल में, छोटा बाजार बहुत मिलता है, गाड़ी घुमाने में दिक्कत है, फिर जो बंगाल पुलिस रहता है वो फिर दिक्कत कर देता है, इसके लेकर हम लोग चाहते हैं कि रात अंदर पहुँच जाए और थोड़ा त्यौहार का टाइम है भी तो चंदा उंदा का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अभी हम लोग जिधर से आ रहे थे तो वो रोड पर तो छोटा ब्रिज पड़ गया रेलवे का, गाड़ी नहीं पार हुआ मेरा, तो फिर गाड़ी घुमा करके और हमको 5-7 किलोमीटर गाड़ी घूम के आना पड़ गया, और ये चीज़ अच्छा ही हुआ क्योंकि फिर हमको फांका मिला, बैक कर लिए हैं, और नहीं तो दिन रहता तो भीड़ भाड़ में पीछे बाइक वाला कार वाला गाड़ी घुमाना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तो पहुँच गए, अब अगला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कहाँ का लोड हो रहा है और हम लोग किधर जाने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।